हाय टू एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, इज इट लाइव? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने आज के सेशन की। आज का जो टॉपिक है वो आप सबको मालूम होगा। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। चलिए तो एक सेकेंड आते हैं जरा टॉपिक पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं बस ये देख लूँ फाइल सही है ना। ऐसा ना हो कि मैंने तुम्हारी दूसरी वाली फाइल ले ली हो। ओके, चलिए तो आज का जो अपना टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयस के साथ में। उन सबको हम लोग आज देखने वाले हैं। इन सबसे जुड़े हुए जो फैक्ट है वो हम आपको बताएंगे, फिर और जो बाकी फैक्ट है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। आज गर्मी है ना ज्यादा, मुझे भी लग रहा था। आशुतोष, नुसरत, निंजा, विनय, नाइट, अभिषेक, प्रसाद, रौनक, इनोसेंट गर्ल, वेरी 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 गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र, गणेश, गुड इवनिंग टू ऑल। चले तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहली चीज ये है आपका टेलीग्राम, जहां पे आपको क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेस के नोट्स आपको मिलते हैं। आप यहां पर क्या कर सकते हो, इन सभी को क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे अगर आप यहां पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आज हमें क्या पढ़ना है, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। क्या है? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। ठीक है, सो ऑल आर गुड। चले फिर एके, गौतम, सुदीप्ता, प्रिंस, अभिषेक। हाँ यार, गर्मी तो हो गई है। कालिया भैया आए क्लास में, अरे कालिया भैया, कालिया भैया, ओहो हो, कालिया भैया भी आए क्लास में। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। एंड सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो पोस्ट बनाई जाती है उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ कैलकटा। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ कैलकटा के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है बताइए? सबसे पहली किसकी नियुक्ति की जाती है, पर्सन का नाम सबसे पहले कौन आएगा? तो यहाँ पे 1773 के समय पर आपको देखने को मिलेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन मिलेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद में यही जो पोस्ट होती है इस पोस्ट को चेंज किया जाता है और यहाँ पे इंडिया जो होता है, इंडिया को बोला जाता है ब्रिटिश इंडिया। इंडिया को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश इंडिया। और यहीं पर ये जो पोस्ट होती है इस पोस्ट को चेंज किया जाता है और ये पोस्ट बन जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बन जाती है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आती है तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रणाम, प्रणाम बताइए किसकी नियुक्ति की जाएगी, पर्सन का नाम कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ आएंगे विलियम बेंडिक। कौन आ जाएंगे? विलियम बेंडिक का नाम आपको देखने को मिलता है। विलियम बेंडिक के बाद में ये जो पोस्ट है इसके अंदर एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ये टाइम होगा 1857 का, जिसके बाद में 1858 में ये जो पोस्ट है इसका नाम चेंज हो जाएगा और ये नाम बनेगा वाइसरॉय। और सबसे पहले वाइसरॉय देखने के कौन मिलेंगे? फर्स्ट वाइसरॉय यहाँ पे कौन बनते हैं बताइए? फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग। कौन बनेंगे? कैनिंग जो है सबसे पहले वाइसरॉय की पोस्ट पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको हायरार्की देखने को मिलती है। लेकिन एक एक वाइसरॉय ने या एक एक गवर्नर जनरल ने इंडिया के अंदर जो जो काम किए हैं या फिर इंडिया के अंदर जो जो पॉलिसीज आई हैं उन सभी पॉलिसीज में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सब रेडी?
आप ही बताओगे? हाँ जी आप ही बताएंगे। तो नंबर वन पे कौन आए? नंबर वन पे आए वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग। अब इनके समय पर सबसे पहली चीज आपको क्या देखने को मिलती है? रेगुलेटिंग एक्ट। इनके समय पर सबसे पहले क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरे पे क्या आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरे पे इनके नाम पे या इनके नाम के साथ में क्या है? रोहिला वॉर। कौन सी वॉर हो जाएगी? रोहिला वॉर इनके टाइम पे होती। और बताओ इनके समय पर क्या होगा? वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी और इनके टाइम पे क्या होगा? सबसे पहली मराठा वॉर होगी। सबसे पहली मराठा वॉर देखने को मिलेगी। एंड और कुछ बताए यहाँ पे? ट्रीटी ऑफ सालबाय। क्या होगा? ट्रीटी ऑफ सालबाय। ये भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिलती है। और एक लास्ट इनके टाइम पे क्या होगा? सेकेंड मैसूर वॉर। सेकेंड मैसूर वॉर। ये सारी चीजें आपको इनके समय पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, इनके टाइम पर आएगा। ठीक, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा भी बनाया जाता है। क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा को बनाया जाता है। ये कब बनता है? 1774 के समय पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जिनका नाम आता है वो है कॉर्नवालिस। सेकेंड नंबर पे जिनका नाम आएगा वो कौन है? वो है कॉर्नवालिस। हाँ जी बताना चालू करिए। इनके समय पर क्या होता है? एशियाटिक सोसाइटी भी आएगी। बिल्कुल सही। और बताओ इनके टाइम पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? बताएं कॉर्नवालिस इनके समय पर क्या आएगा? तो सबसे पहले थर्ड मैसूर वॉर हो जाएगी। और बताओ बंगाल गैजेट आएगा। ठीक है, इनके टाइम पे और बताइए क्या होगा? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंड सिविल सर्विसेज आएगा। ठीक है, और बताओ इनके समय पर सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस फोर्ट भी इनके समय पर आएगा, जिसे हम लोग आईपीसी के नाम से भी जानते हैं। और बताइए क्या आएगा? और परमानेंट सेटलमेंट आएगा। क्या आएगा? परमानेंट सेटलमेंट जो है वो भी आपको इनके समय पर देखने को मिलेगा। और ये शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे पहले जो शुरुआत है ये इसकी वेस्ट बंगाल से होती है। कब होती है? 1793 में। डन। नीतू प्रिया एक्नॉलेज पल्लवी। करेक्ट करेक्ट। चले ये बात हो गई किसके बारे में? कॉर्नवालिस के बारे में। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो नाम आपको देखने को मिलेगा, फिर किसका नाम आएगा? जो इम्पोर्टेंट नाम है सिर्फ वही वही मेरे को बताना। और बताओ आप किसका नाम आएगा? डलहौजी पे चले सीधे। चले नंबर थ्री पे आइए। डलहौजी। हाँ जी बताएं डलहौजी के बारे में। बताओ यार, ये तो तुम लोग का मतलब अब पता होगा इनके बारे में। डलहौजी चाचा के बारे में कुछ बताओ। तो इनका टाइम स्टार्ट होगा 1848 से। बताएं जॉन शोर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मतलब ठीक है, एक दो चीजें हैं लेकिन इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। बताओ सबसे पहले सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो आपको इनके समय पर देखने को मिलेगी। दूसरा रेलवे ट्रैक्स। तीसरा टेलीग्राफ सर्विसेस। और बताएं और क्या क्या आएगा? एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, यानी कि जो बर्मा का एरिया है जिसे आज के टाइम पे हम म्यांमार करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह को भी यहाँ पे कब्जा किया जाता है। एनेक्सेशन ऑफ बर्मा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में इनके समय पर आता है वुड्स डिस्पैच। क्या आएगा? वुड्स डिस्पैच आपको देखने को मिलेगा। और बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इनके समय पर आता है। एंड और बताएं और बताओ एंड क्या आएगा? पीडब्ल्यू डी जो है वो भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको डलहौजी के टाइम पर देखने को मिलती हैं। अगला नाम जो इनके बाद में इंपॉर्टेंट है वो है कैनिंग। आइए कैनिंग चाचा के बारे में बताओ।
या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर सवाल आपको कराते हैं, फिर देखते हैं कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, कितना आपको पता है, बताएं। कैनिंग चाचा का जो समय है ये शुरू होगा कब से? 56 से, करेक्ट बताइए। सबसे पहले तो रिवोल्ट आएगा, विद्रोह आएगा 1857 का, और बताओ। कल तुम्हारी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया, अरे वाह, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। और बताइए, तीन यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ कहाँ पे आएगी? कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे, तीन जगह पे आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। और बताइए, और बताइए, इनके समय पर क्या आएगा? क्राउन्स रूल आएगा, कल मैंने आपको क्राउन्स रूल बताया था, वो भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिलेगा। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो भी आपको इसी समय पर देखने को मिलेगा। टाइम क्या हो जाएगा? 61, करेक्ट अभिषेक, इसका यहाँ पे ईयर क्या होगा? 61 हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, करेक्ट, अगला आता है हाईकोर्ट के बारे में। अगला नाम नंबर 5 पे किसका नाम आएगा? हाईकोर्ट वाला किसका नाम आएगा? जॉन लॉरेंस। किसका नाम आता है? जॉन लॉरेंस का नाम आता है, ठीक है। जॉन लॉरेंस का जब नाम आएगा तो ये ईयर क्या हो जाएगा? ईयर होगा 1876। अब इनके समय पर क्या होता है? तो इनके समय पर आप देखेंगे, अरे सॉरी 64, इनके समय पर क्या होगा? हाईकोर्ट आएगा। इनके टाइम पे क्या आ रहा है भैया? हाईकोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हाईकोर्ट किसके समय पर आएगा, तो इनके समय पर आएगा। अगर पूछा जाता है भूटान वॉर कब होती है, कौन सी वॉर? भूटान वॉर, तो भूटान वॉर जो है वो भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला नाम आता है लिटिन चाचा का, इनका नाम सबने सुना है, द लिटिन चाचा के बारे में बताना चालू करो। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताएं, लिटिन की बात कर लीजिए। सबसे पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको देखने को मिलेगा। और बताओ यहाँ पे क्या आएगा? आर्म्स एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट मिलेगा। और बताओ और क्या आएगा इनके समय पर? और यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया जो है, क्वीन विक्टोरिया जो है वो अपने लिए एक टाइटल लेती है, और टाइटल का नाम क्या है? केसर ए हिंद। सुना है नाम? कुछ कुछ सुना सा लग रहा होगा, केसर ए हिंद। इस नाम से आपको एक बटरफ्लाई भी देखने को मिलती है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वाला है ना, बटरफ्लाई। अगला नाम बताओ, अगला नाम बताओ, अगला नाम है रिपन चाचा, अगला नाम है रिपन चाचा, इनके बारे में बताना चालू करो। इनके टाइम पे क्या होगा? इन्होंने सबसे पहले ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है इसको रिपेल किया, इसको क्या किया है? इसको समाप्त करने का काम इन्होंने किया था। सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट, सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिला। और बताओ क्या होगा इनके टाइम पर? इनके टाइम पे सेल्फ गवर्नमेंट आता है, सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिलेगा। और इनके ही टाइम पे आपको एल्बर्ट बेल कॉन्स्पिरेसी, या सॉरी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी याद आ रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी, एल्बर्ट बेल कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो भी इनके टाइम पर होती है। और हंटर कमीशन, एजुकेशन वाली, हंटर कमीशन कौन सी वाली? एजुकेशन वाली जो थी वो भी आपको इनके ही समय पर देखने को मिलती है। तो इतनी चीजें हो गई, किसके टाइम की बात हो रही है? रिपन के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अगले नाम पे आओ, अगला नाम किसका होगा, अगला नाम किसका होगा बताओ, किसके नाम पे चला जाए? अब अगले पे चलते हैं जेम्स फोर्ट, अगले नाम पे चलते हैं जेम्स फोर्ट, बताओ इनके टाइम पे क्या होगा? अब देखो इनका जो टाइम पीरियड है ना वो 16 से लेके 31 है,
तो इनके समय पर बहुत सारे आपको मूवमेंट्स देखने को, लखनऊ पैक्ट हो गया, चंपारण हो गया, मॉर्ले मिंटो हो गया, ये सभी चीजें आपको इनके समय पर देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड, ये दोनों आपको इनके समय पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला नाम आता है रीडिंग का, अगला नाम आता है रीडिंग का। इनके समय पर क्या आएगा? चौरी चौरा मूवमेंट। इनके टाइम पे क्या आएगा? इनके टाइम पे आएगा चौरी चौरा मूवमेंट, ये आपको इनके समय पर देखने को मिलेगा। इरविन चाचा के बारे में बताना पड़ेगा क्या? इरविन, इनके टाइम पे क्या आएगा? इनके टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी। दूसरा गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सुना कभी इसके बारे में? हाँ, रौनक एक्ट, ओ माय गॉड। और बताओ इनके टाइम पे और क्या होगा? और कुछ? इनके टाइम पे नेहरू रिपोर्ट भी आएगी। ओके, इनके टाइम पे नेहरू रिपोर्ट भी देखने को मिलती है। ये नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आएगी। और कुछ? और कुछ जो आपको यहाँ पे याद आ रहा हो? बस। अच्छा, एक आखिरी नाम और देख लेते हैं, दैट इज माउंट बेटन। माउंट बेटन ये सबसे आखिरी होंगे, ठीक है ना। इनके टाइम पे क्या आएगा? 3 जून प्लान आएगा और रेड क्लिफ आएंगे एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, रेड क्लिफ चाचा आएंगे जो कि क्या करेंगे, इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और आखिरी यहां पर आप देखोगे तो 3 जून प्लान आता है, 3 जून प्लान आता है, ठीक है। तो इतने नाम आपको मालूम होने चाहिए, सारे के सारे। सुना तो है, ओहो। चले फिर क्वेश्चंस की तरफ, सब रेडी हैं? और इसके बाद में जो सबसे पहले भारतीय आएंगे वो कौन हो जाएंगे? राजगोपालाचारी जी। सब रेडी? एक बार थम अप करिए। राजगोपालाचारी जी सबसे आखिरी में आ जाएंगे जो कि भारतीय थे 1948 से लेके 1950 तक, 1948 से लेके 50 तक राजगोपालाचारी जी। सब रेडी? ऑल राइट, चलिए पहले सवाल की तरफ आते हैं। बताए फर्स्ट क्वेश्चन, बोलिए द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल ये किसके समय पर आता है? द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किसके समय पर आता है? आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है, टेम्परेचर यहां पे आज 35 डिग्री सेल्सियस था। वेलेस्ले अंकल, अरे छोड़ो वेलेस्ले अंकल, अभी यहाँ कहीं दिखाई देंगे। तुम इसका आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेंगे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर आपको ये पॉलिसी देखने को मिलेगी। जब हम वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इनका जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा तो वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 73 से लेके 85, ये इनका टाइम पीरियड आपको मिलेगा। अगले सवाल पे आइए, रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी किसके समय पर आता है? बताएं, रिंग फेंस पॉलिसी नीति किसके समय पर आती है? ये भी हेस्टिंग के टाइम पे आएगी। अच्छा, ए ए अगेन वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। अगला, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अंदर सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? नेतो, व्हाई यू आर स्किपिंग? आंसर बेटा, आंसर।
अच्छा, इस सेशन के बाद में आपके लिए एक बर्निंग इशू रहेगा, शाम को 7:30-8 बजे कह रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं सीएए के ऊपर, उसके बारे में एक सेशन रहेगा। बी वॉरेन हास्टिंग बिल्कुल सही जवाब है, वॉरेन हास्टिंग। लेकिन यहाँ पे देखो मायो चाचा का नाम लिखा हुआ है, ये मायो चाचा के बारे में कुछ बता दो ना, नाराज ना हो जाए मायो चाचा। मायो चाचा का नाम लिखा हुआ है, मायो चाचा के बारे में कुछ बता दीजिए, नाराज हो गए तो फिर संभालना पड़ेगा तुम्हें। मायो चाचा के समय पे कुछ आया था ना, क्या आया था जल्दी बताओ। क्या आया था? सेंसेस आया था, करेक्ट। पहली बार जो सेंसेस है वो इनके टाइम पर आता है। चलिए बताइए, एशियाटिक सोसाइटी कैलकटा के अंदर सबसे पहले किसने बनवाई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी, ये एशियाटिक सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है, मतलब आप ये मत सोचना कि ये बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मायो ने मोए मोए बनाया था, सही कह रहे हो। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेंगे वॉरेन हास्टिंग, ठीक है ना, क्या होंगे वॉरेन हास्टिंग। अगला, विच याहू ऑफ द फॉलोइंग एबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। बंगाल के अंदर डायर्की या फिर ड्यूअल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पहले तो जो गवर्नमेंट या फिर जो पर्सन वहां पे है बंगाल के अंदर, पहले आपको उससे परमिशन लेनी है, उसके बाद में जो सेक्रेटरी बोर्ड हुआ करता था उससे परमिशन ली जाती थी। डायर्की सिस्टम जो है ये पहले प्रोविंसेस के अंदर हुआ करता था, और उसके बाद में डायर्की सिस्टम जो है वो आपको सेंटर में देखने को मिलता है। आपको बताना है इसके बारे में। काली टी शर्ट, भाई साहब बात ना करो, एक तो भाईसन गर्मी लग रही है, ऊपर से काली टी शर्ट। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा कॉर्नवालिस। कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस चाचा। अगे अरे यार, सब आंसर वॉरेन हेस्टिंग ही होंगे क्या, मतलब जो नहीं आता है वहां पे भी वॉरेन हेस्टिंग है, हैं? चलो नेक्स्ट पे आओ। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, सी 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 इसका आंसर बता रहे हो, सी सी इसका आंसर भी वॉरेन हास्टिंग होगा। अगले पे आइए, द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली, ये किसके समय पर होता है? देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, कैलकटा को कैपिटल बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो कैपिटल है वो दिल्ली में शिफ्ट की जाती है, दिल्ली दरबार। क्या लगता है? दिल्ली दरबार लगता है। आपको बताना है कि ये किसके समय पर होता है, किसके समय पर ये होता है। मिंटो, मिंटो चाचा के टाइम पे होगा, मिंचू, मिंचू, अच्छा अच्छा मिंचू। बेटा मिंटो चाचा के टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया जाता है, किसके साथ में? राजा रणजीत सिंह जी के साथ में इसको साइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिटल चेंज होती है किसके टाइम पे होगी? हार्डिंग के टाइम पर कैपिटल चेंज होती है, और इसी समय पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वॉर भी देखने को मिलती है, जैसे कि एंग्लो नेपाल वॉर, यानी ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में ये वॉर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पे थर्ड मराठा वॉर भी होती है, थर्ड मराठा वॉर जो है वो भी आपको देखने को इनके ही समय पर मिलेगी, ठीक है। और मैंने अभी ये भी बता दिया था, आपको ये भी बता दिया था। नेक्स्ट पे आएगा, हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जुडिशरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर टू, चलो अभी एंड करेंगे तब देखते हैं, ठीक है।
बताएं, जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस यहाँ पे आपको मिलेंगे जुडिशरी सिस्टम के लिए। अगला आपको बताना है इसमें से कौन से गवर्नर जनरल ऐसे रहे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की शुरुआत की और इसको इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना गया, या फिर आप कह सकते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना। अगर ये चाइना ना होता तो यूपीएससी ना होता, अगर यूपीएससी ना होता तो आज इंडिया के अंदर यूपीएससी ना होता, और यूपीएससी ना होता तो फिर आईएएस ना होते, पीसीएस ना होते, ये सब नहीं होता, है ना। चलो बताओ, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा कॉर्नवालिस। अगले पे आइए, अगला है द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन बाय पब्लिक सर्विस। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब कुछ कुछ सिमिलर सा है, थोड़ा ध्यान से आंसर करिएगा। पब्लिक सर्विसेज, सारा किया धरा काम चाइना का ही है और किसी और का नहीं बेटा, सिर्फ चाइना ही है। ओपेनहाइमर, तुमने तो मतलब ऑस्कर क्या मिला, तुमने तो अपना नाम ही रख लिया ओपेनहाइमर, वेरी गुड, सही है, भूलोगे नहीं तुम। इसका राइट आंसर भी क्या होगा, कॉर्नवालिस होगा, सिंपल है, अभी बोला ना फादर ऑफ। ओके, द टॉम ऑफ कॉर्नवालिस, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर देखने को मिलेगा। बंगाली बाबा देखो जरा, कॉर्न का इस्तेमाल हो रहा है, भुट्टा यहाँ पे बना बना के भेजा जा रहा है, नाम लिखने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजीपुर इज द करेक्ट आंसर। आज बलिया वाले लोग नहीं आए क्लास में। अगला, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ बासेन साइन, ट्रीटी ऑफ बासेन बताइए, ट्रीटी ऑफ बासेन। देखो कई बार ना ट्रीटी ऑफ सौगाली भी पूछी जाती है, सौगाली याद, ट्रीटी वो नेपाल के साथ में जो साइन की जाती है, तो ट्रीटी ऑफ सौगाली अगर पूछा जाएगा तो ये हास्टिंग के टाइम पे साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ सौगाली। सच 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 सही बात है, तो दीजू कैसे होते हैं, अरे प्रभु कहाँ थे आप अब तक। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंग्लिश एंड बाजीराव चू। हाँ, बाजीराव सुनते ही बस मस्तानी याद आ रही होगी और कुछ नहीं याद आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बताइए फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ले, वेलेस्ले चाचा जो थे ये सबसे पहले क्या लेके आते हैं, सब्सिडरी अलायंस लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसको सबसे पहली बार किसने अपनाया था, ये आती कब है, ये आती है 1798 के समय पर, और यहीं पर होता है फोर्ट मैसूर वॉर, किसके टाइम पे, वेलेस्ले के समय पर, और क्या होगा, सेकेंड मराठा वॉर, सेकेंड मराठा वॉर। पेशवा बाजीराव चू, ओके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा पेशवा बाजीराव चू, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताइए, सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में नाम लिखा था बस उसको घुमा दिया गया, बताओ। वेलेस्ले होगा, सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो तुमने देखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चले अगला, सब्सिडरी अलायंस वॉज ड्यूरिंग, इसका आंसर हो गया वेलेस्ले। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सबसे पहले नेटिव रूलर कौन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था,
मैंने आपको कल बताया था सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, कि जितने रजवाड़े थे, जितने भी राजा महाराजा लोग थे, इन सबको बोला गया कि आपको अपनी खुद की सेना रखने की जरूरत नहीं है, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो ब्रिटिशर्स की जो सेना है या जो इनकी फौज है ये क्या आएगी, इनकी मदद करने के लिए आएगी। बोलें ओके, इसका आंसर क्या होगा? निजाम्स ऑफ हैदराबाद। देखिए जो निजाम्स है इन्होंने हैदराबाद को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ था, और ऑपरेशन पोलो के बाद में जो हैदराबाद था वो निजाम से फ्री होता है और इसको भारत के साथ में एलाय कराया जाता है। अगला, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, द फर्स्ट इंडियन रूलर, ध्यान से आंसर करिएगा, द फर्स्ट इंडियन रूलर। अभी अभी तुमने करंट की क्लास खत्म की है, ओहो चलो बताओ। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा नवाब ऑफ अवध। ठीक है, अवध के जो नवाब थे इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इसको ज्वाइन किया था। अगला, सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, इसको किसके द्वारा अपनाया नहीं गया था? सही से आंसर करिएगा, निजाम्स ऑफ हैदराबाद। अभी आपने देखा इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, होलकर, राजपूत या फिर मैसूर, अवध, करेक्ट बताइए। बी शिशिर, बी बाद विकास, सुरजीत, ओके ओके, होलकर, बिल्कुल सही जवाब, होलकर कहाँ पे? इंदौर के अंदर। अगले पे आते हैं, बताइए हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश पावर। सवाल को बस घुमाया गया, आंसर फिर वही है, सेम है। डेलाउजी के टाइम पे क्या आ रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको मिलेगा। कॉर्नवेलिस के टाइम पर आपको क्या मिल रहा है? सिविल सर्विसेज मिल रहा है, बताएं। बंटी भाई बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? वेलेस्ले इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे बताओ, द मेन एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था? राजपूतों के स्टेट के साथ में ये क्या करना चाहते थे? व्हाट वाज द मेन एम, इनका उद्देश्य क्या था? मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट द एनिमीज, मराठा एंड पिंडारी इन्वेजन, किराज या एस्टैब्लिश अ सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। कुछ लोग बी बता रहे हैं, यानी कि मराठा और पिंडारी के आक्रमण से इन राज्यों की रक्षा करना, और कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं अंग्रेजों की संप्रभुता को स्थापित करना। अच्छा कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, तो ए को भी बता दो बेचारे, ए को क्यों छोड़ दिया तुमने, ए भी बता दो कुछ लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला अभी, मैंने आपको बताया ना कि ये क्या कह रहे थे, कहते तुम अपना कुछ भी मत करो, मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते थे भारत के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने इस पॉलिसी को लेकर आए। अगला, एट द टाइम ऑफ एम्पायर्स इन यूरोप were crumbling before the might of Napoleon, which of the following governor general kept the British flag flying high in the India? बताइए। सवाल में कहा जा रहा है, जब यूरोप में नेपोलियन की ताकत के सामने सबका साम्राज्य धीरे धीरे करके ढह रहा था, उस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के अंदर जिन्होंने क्या इज्जत बचाई हुई थी इनकी? सी वेलेस्ले, अच्छा वेलेस्ले, स्किप, इसका आंसर भी क्या होगा? वेलेस्ले इज द करेक्ट आंसर। अगला, द रिवोल्ट ऑफ वेलर किसके समय पर होता है? द रिवोल्ट ऑफ वेलर किसके समय पर होता है? अच्छा आप लोगों को ये तो मालूम होगा ना कि 25 और 26 की छुट्टी है शायद आपकी, आपको मालूम
लेकिन सुबह 7 बजे के क्लास की छुट्टी नहीं है, क्या ये बात आपको मालूम है? नहीं पता है? मुझे पता था, इससे मैंने आपको बता दिया। मिंटो के टाइम पर आएगा, मिंटो चाचा आएंगे। ऑल राइट, ये समय होगा सर जॉर्ज बैलो का। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये बनता नहीं है बट फिर भी आया था। चलिए, एंग्लो नेपाल वॉर अभी मैंने आपको बताया था, अब आपकी बारी। एंग्लो नेपाल वॉर, कितने खुश हो रहे हैं, वाओ मैम लुकिंग लाइक अ वाओ, है ना? अभी रुको बेटा, 7 बजे हम क्लास लेंगे। हीरो नहीं बनो, बिल्कुल हीरो मत बनना। इसका राइट आंसर क्या होगा? हास्टिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएगा ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी ऑफ वो बताना पड़ेगा। सिंगौली लिखा है, सोगाली मत पढ़ लेना। ओके, इसका आंसर क्या होगा? 16। बेटा दोनों सेम ही है, चाहे सोगाली लिख लो चाहे सिंगौली लिख लो, ठीक है, बोथ आर सेम। चले, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है मुनरो, दूसरा है हेस्टिंग, तीसरा है वेलेस्ले, चौथा है कॉर्नवालिस। बैटल ऑफ बक्सर, इंडो नेपाल वॉर, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। मैं होली खेलूं, अब होली तभी खेलेंगे जब खाटू श्याम आएंगे, ठीक है भूमि? चलेगा? अब ये तुम लोग अकेले अकेले मेले में घूम रहे हो, हाँ कितनी भीड़ हो रही है खाटू श्याम में आजकल। चले, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय पर थोड़ी ना होती, अभी तुम्हें बताया था मैंने इसके बारे में भी। चलो नेक्स्ट पे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, क्वेश्चन जो गलत था उसी के ऊपर यहाँ क्वेश्चन बनाया है, बताए। ओके, डी डी, अरे भाई अभी तुमने इसको बाहर किया है डी वाले को, हाँ इसका आंसर क्या होगा? हैस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। उसको देखो, उसकी होली 24 तारीख को है। अरे भैया तुम अलग ही बताते हो। चलो बताओ, थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास किस समय पर? और कितने क्वेश्चन है बेटा? 3-4 सवाल और होंगे। चलो, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा 20 से लेके 27 के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पे आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द मैल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, गवर्नर जनरल जिन्होंने मैसूर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर में लिया था, बताएं, अपने अंडर में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लिया था। इसका आंसर क्या होगा? बेंडिक हो जाएगा, ठीक है। अगला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिनके समय पर तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, मराठा वॉर और मैसूर वॉर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, काफी सारे आपको सिख वॉर भी देखने को मिलेंगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? यार ये बताओ, 4 से 5 भी हम क्लास लेते हैं और 5 से 6 के क्लास में जब हम आते तो तुम लोग कैसे थक जाते हो यार? कंटिन्यूअसली 2 घंटे खड़े हम है, थक तुम जा रहे हो, भगवान ऐसा कैसा होता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा कॉर्नवालिस। सी नहीं भाई, सी नहीं होगा। अगला देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ द ठग, यानी कि ठगी प्रथा जो थी जब इसको समाप्त किया गया था तो ये किसके टाइम पे समाप्त किया जाता है? एक तो देखो सती प्रथा हो गई, है ना, एक है ठगी प्रथा और एक हो जाएगी स्लेवरी सिस्टम। आपको बताना है यहाँ पर किसके समय पर, ए। अच्छा ये भी कॉर्नवालिस बता रहे बेटा, कॉर्नवालिस कहाँ ऑप्शन में,
बी ओके 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 इसका आंसर यहां पे क्या होगा स्लिमेन क्या होगा स्लिमेन ठीक है चलिए तो यहां तक मैंने आपको सारे सवाल करा दिए हैं उम्मीद करेंगे कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली किए होंगे अब इसकी पीडीएफ जरूर से कलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ के अंदर आपको वो कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने आपको अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में या वाइसरॉय के बारे में बताया ठीक है इनके नाम आपको पता होने चाहिए और इनके समय पर क्या क्या काम हुए वो भी आपको मालूम होने चाहिए तो इसका पीडीएफ यहाँ से कलेक्ट करने की होती है जरूरी है इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो तो मिलते हैं आपसे कल सुबह लेकिन हाँ आपके लिए एक बर्निंग सेशन भी रहेगा इस क्लास के बाद में अराउंड 7:30 के आसपास आपको बर्निंग सेशन देखने को मिलेगा कि सीए एंड सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या चल रहा है उसके बारे में आपको मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा तो उसे जरूर से चेकआउट करिएगा टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल